नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 मई दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी ने केरल के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कही ये बात। विपक्षी एकजुटता के महा बैठक पर बीजेपी नेता ने कसा तंज। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के ट्वीट पर किया पलटवार। अजीत पवार ने नए संसद भवन को लेकर केंद्र सरकार का किया समर्थन। अब चलिए बढ़ते हैं राज्य और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी ने केरल के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कही ये बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता के पहल को देश के अलग अलग राज्यों में लेकर जा रहे हैं, नीतीश के इस पहल को बिहार के उप मुख्यमंत्री भी आगे लेकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब तेजस्वी विपक्षी एकजुटता के पहल को लेकर केरल पहुंचे। केरल पहुंचे तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वे एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम एक पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर था। इस दौरान तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल हुए तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की चर्चा करते हुए कहा कि देश में लोकलू भावन राजनीति को कायम रखने के लिए एक अच्छे रोल मॉडल है। आगे उन्होंने मोदी सरकार की बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार मौजूदा दौर में विपक्ष शासित राज्यों पर हमलावर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले वे सभी दल जो कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियों में विभक्त है उन्हें एक हो जाना चाहिए। टीएमसी वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने निशाना साधा है। मनरेगा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए खर्च करके नया संसद भवन बनाया है। केंद्र सेंट्रल विस्टा परियोजना पर करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जबकि उन्होंने राज्य में 100 दिन की मनरेगा योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए लंबित कर रखे हैं। साथ ही पुराने संसद भवन की चर्चा करते हुए अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा है कि मुझे पुराने संसद भवन में बैठने में कोई समस्या नहीं है। बता दें कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। इस उद्घाटन समारोह का तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ और भी अन्य कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। विपक्षी एकजुटता के महा बैठक पर बीजेपी नेता ने कसा तंज। आगामी चुनाव को लेकर विपक्षी एकजुटता की कोशिश को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से तंज कसा है। दरअसल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा द्वारा कहा गया है कि विपक्षी दलों की एकता नहीं भ्रष्टाचारियों की एकता है। ये सभी देश की अखंडता और एकता के प्रति गंभीर नहीं है और भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति में डूब चुके हैं। अपने संपत्ति खोने और जेल जाने के डर से एकजुटता प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी नेता ने यह तंज 12 जून को पटना में होने वाले विपक्षी दलों के महाबैठक को लेकर किया है। 12 जून को होने वाले इस विपक्षी एकता के बैठक में आगामी लोकसभा के रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मामले को लेकर कहा है कि विपक्षी एकता की बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अहम बैठक है। वहीं पीएम कैंडिडेट को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष की आवाज है, न कि पीएम कैंडिडेट। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पिछले 27 दिनों से मणिपुर में हिंसा के मामले देखने को मिल रहे। इस हिंसा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे। बता दें कि अमित शाह 4 दिन के दौरे पर मणिपुर गए हुए हैं, जहां वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि जातीय हिंसा का समाधान निकाल कर शांति बहाल करने का रास्ता खोजा जा सके। अब मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही। अभी हाल में इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने हिंसा की चर्चा करते हुए कहा है कि वहां एक भयावह त्रासदी सामने आ रही है, जबकि प्रधानमंत्री अपने खुद के राज्याभिषेक को लेकर जुनूनी है। बता दें कि हिंसा को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। सेंगोल को लेकर राजद के ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार। अभी हाल में राजद ने अपने मात्र एक ट्वीट से सियासी तापमान तेज कर दिया था। दरअसल राजद ने ताबूत और नए संसद भवन की तस्वीर के साथ साझा कर तुलनात्मक रूप से पूछा था कि यह क्या है। अब इसके बाद राजद ने सेंगोल पर सवाल खड़े कर दिए है। लिहाजा सेंगोल की चर्चा किए बिना ही उन्होंने अमरीश पुरी के तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए पूछा है कि क्या आपने हाल फिलहाल यह फिल्म देखी है, जिसमें एक बहुत बड़े कलाकार हाथ में कुछ जानी पहचानी वस्तु पकड़े हुए है। कलाकार एवं फिल्म का नाम बताने की कृपया करे। राजद के इस ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट के माध्यम से पलटवार करते हुए लिखा है कि बिहार के विलन और उसकी टीम राजद का लूमपेन एजेंडा रहा है, लाठी भजावन और तेल पिलावन। लेकिन प्यारे मूर्खों, सिंगोल का मतलब लाठी या मुगदर नहीं है। अपने सतही मस्खरे बाजी और राजनीति के लिए दिवंगत लोकप्रिय कलाकार अमरीश पुरी को बख्श दो। राम भक्तों के लिए हनुमान जी का गदा ही पूजनीय है।
विपक्षी एकजुटता पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कही ये बात। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदम्बरम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट होने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं जब आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता ने रणनीति को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे विचार से अगर गैर बीजेपी विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं तो संभव है कि 450 सीटों पर हम एक आम उम्मीदवार के साथ भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक आकांक्षा है। पार्टियां 12 जून को पटना में बैठक कर रही है, यह कार्य प्रगति पर है, यह होगा लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर जदयू ने बीजेपी के गिनवाए 9 कलंक। सत्ता में बीजेपी के आए पूरे 9 साल हो चुके हैं। बीजेपी इस उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही, साथ ही केंद्र सरकार के उपलब्धियों को बीजेपी नेता घूम घूम कर जनता को बता रही है। अब इसी बीच मोदी सरकार के पूरे 9 साल होने पर जदयू ने विरोध जताते हुए बीजेपी के 9 कलंकों को बताया। बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के 9 कलंकों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की विफलता, अडानी मामला, 9 साल में सर्वाधिक मंदिर तोड़ने, पुलवामा में जवानों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराने, नए संसद का मामला, नोटबंदी का मामला, अग्निवीर मामला, बिहार को विशेष राज्य का मामला और देश में व्याप्त बेरोजगारी की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के ट्वीट पर किया पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत सरकार पर चीन के मुद्दों को लेकर ताना मारा था। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाते हुए कहा था कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ किया जा रहा, क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है और श्रीमान 56 इंच डर गए हैं। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ है जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पर झूठ बोल रही। अब इस बयान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें 56 इंच का तारा मारते हुए शर्म आनी चाहिए, खासकर तब जब किसी को नहीं पता कि उन्होंने चीनियों के साथ क्या समझौता किया था। आगे उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर हमारे पीएम की बात नहीं सुनते हैं। जब भी प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संसद में बोलते हैं तो कांग्रेस के नेता या तो बाहर चले जाते हैं या अपने भाषण को बाधित करने के लिए अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, इस बैठक में सीएम नीतीश शामिल नहीं हुए थे। अब इसे लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के विकास और जन को समर्पित नीति आयोग की इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिस्सा नहीं लेने से साफ है कि उनको बिहार के विकास के बारे में कोई चिंता नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश अपनी राजनीति के लिए बिहार की जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। इस बैठक से बिहार की जनता को काफी लाभ मिलता है। यह बैठक तो राजनीतिक नहीं थी, इसमें तो बिहार के विकास की बात सीएम नीतीश खुलकर कर सकते थे, पर वे बिहार की जनता की नहीं सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस के 70 सालों के शासनकाल से की गई थी। अब इसके जवाब में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में देश गर्त में चला गया। 70 सालों में कांग्रेस ने देश को अखंड रखा और लोकतंत्र को मजबूत किया। पाकिस्तान की तरह यहां सैनिक शासन नहीं होता। वर्तमान सरकार अगर बनी तो इसलिए बनी है क्योंकि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही हैं। आगे उन्होंने बीजेपी ने 9 सालों की करते हुए कहा कि जितनी बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, देश की बेटियों द्वारा सत्ता पक्ष के सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगा है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को बताया धृतराष्ट्र। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नीतीश के शामिल नहीं होने पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि आजादी के 75वें साल में देश को नया संसद मिलना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को केंद्र सरकार के बड़े बड़े काम दिखाई नहीं पड़ते। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश धृतराष्ट्र बनकर ताबूत वालों की भाषा बोल रहे हैं। बिहार में सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों के तेज विकास से हजारों लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन ये सब सीएम नीतीश कुमार को नजर नहीं आता, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार पर अहंकार का मोटा पर्दा पड़ चुका है। यूपी उपचुनाव को लेकर मायावती ने सपा पर लगाया आरोप। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर यूपीएमएलसी उपचुनाव में रिजल्ट में बीजेपी के जीत के बाद कहा है कि यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कुल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवारों को खड़ा करना, हरवाना और ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना, यह साबित करता है कि वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। सपा और इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण और घृणित राजनीति से दलितों, अन्य पिछड़ों और अकलियत समाज के लोगों को काफी आहत होता रहा है। आगे अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ममता बनर्जी के बयान का किया स्वागत। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कहा गया था कि 2024 के आम चुनावों के लिए कांग्रेस जहां मजबूत है उसका समर्थन किया जाएगा, बदले में कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दलों को समर्थन करना होगा। ममता बनर्जी के इस बयान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने स्वागत करते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास है कि बातचीत के माध्यम से एक समझ बनाई जा सकती है। दरअसल मीडिया द्वारा लिए जा रहे एक साक्षात्कार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं ममता बनर्जी के बयान का स्वागत करता हूं, उन्हें कांग्रेस के साथ बातचीत में इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आश्वस्त हूं कि सहमति बनाई जा सकती है। चार घंटे के इस लंबे बैठक से क्या गहलोत और पायलट के बीच सुलझ जाएगा विवाद। राजस्थान की गद्दी पर अभी कांग्रेस की सरकार विराजमान है, लेकिन अपने ही पार्टी में हो रहे विवादों के बीच कांग्रेस चर्चा में आ रही थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था, लेकिन विवादों से बने इस जख्म को भरने की कोशिश की जा रही। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव दूर नहीं, ऐसे में पार्टी चाहती थी कि विवादों को जल्द से जल्द सुलझा कर आपस में सुलह कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका असर कहीं न कहीं चुनाव के नतीजों में देखने को मिलता। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में लगभग चार घंटे तक बातचीत चली। चुनाव के दौरान यह तय हुआ था कि चुनाव एक साथ लड़ेंगे और राजस्थान का चुनाव भी अपने नाम करेंगे। अजीत पवार ने नए संसद भवन को लेकर केंद्र सरकार का किया समर्थन। नए संसद भवन को लेकर केंद्र सरकार के पक्ष में एनसीपी नेता अजीत पवार का पार्टी लाइन से हटकर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि देश की जनसंख्या जो 135 करोड़ के पार जा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस नए संसद भवन की जरूरत थी। इसे कोविड काल के दौरान भी रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। आगे उन्होंने पहलवानों द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर कहा कि पहलवान कई दिनों से न्याय पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे राजनीति नहीं कर रहे हैं, वे खिलाड़ी हैं, वे किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते। हम यह सोच रहे थे कि नए संसद भवन उद्घाटन से पहले उनका मुद्दा हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इस मुद्दे को हल करना है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। मतलब पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने बताओ हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा मतलब पूछेगा सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, विजय राय, जयराम यादव। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है विपक्षी एकजुटता की महाबैठक पर आपकी क्या राय है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।